नमस्कार, मैं अधीर चौधरी। आज ब्लैक एंड भगवा में हम पत्रकारिता के मूल को ब्रेक करने का विश्लेषण करेंगे। ये बिरयानी जिहाद क्या है? ईद पर सेवई बिरयानी, दिवाली में सोन पापड़ी, छठ में ठेकुआ, खाने क्यों हिंदू मुसलमान एक दूसरे के घर जाते हैं? क्या ये एकता जिहाद है? आज हम आपको सबसे पहले दो पहलू बताएंगे। पहली बात, आखिर ये भारतीय बिरयानी खाना क्यों चाहते हैं? क्या इसके पीछे ललचाना जिहाद मकसद है? बड़ा सवाल ये भी है, और आप सोचिएगा, कई लड़के माँ बाप को बिना बताए चोरी छिपे बिरयानी खाने क्यों जा रहे हैं? क्या आवश्यकता है? ये भले ही नाट्य रूपांतरण था, लेकिन सच इससे ज्यादा अलग नहीं है। इसलिए आज हम नफरत की पत्रकारिता का विश्लेषण करेंगे। लेकिन उससे पहले आप अपने मोबाइल, टीवी, टैब, लैपटॉप, कंप्यूटर में साउंड कम कर लीजिए और ये देखिए। नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है देश के नंबर वन भड़काऊ कार्यक्रम में। मैं हूं भड़काऊ जन। जहरीली जुबान बहाना, एजेंडा है चलाना, मकसद है नफरत फैलाना। देश में हो गई शांति तो फिर कैसे खाएंगे हम खाना? थोड़ी तो मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। अगर मैं पलट के कुछ कह दूं तो? अब एक और तड़कते भड़कते एंकर को देखिए। क्या 2027 तक भारत गजवाए बिरयानी बन जाएगा? गौर से सुनिएगा, क्या भारत में बिरयानी खाने वाले बढ़ जाएंगे? नमस्कार, मैं बेअमन चोपड़ा। कैसे पुरानी दिल्ली में बिरयानी की दुकानों का जाल बिछा दिया गया है। शाहीन बाग में भी बिरयानी, पुरानी दिल्ली में भी बिरयानी, हर तरफ बिरयानी बिरयानी है। हम लगातार अलर्ट कर रहे हैं आपको, क्या कोई साजिश है? आपके कान को तकलीफ देने के लिए माफी, सॉरी। दरअसल ये सब इसलिए किया क्योंकि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने नफरती भाषण के मुद्दे पर टीवी चैनलों को कड़ी फटकार लगाई थी, लेकिन उस फटकार का असर होता नहीं दिख रहा है। जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की बेंच ने 11 रिट याचिकाओं की सुनवाई की थी, जिसमें हेट स्पीच को रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है। याचिकाओं में सुदर्शन न्यूज पर UPSC जिहाद शो, धर्म संसद में दिए गए भाषण जैसे मुद्दों को उठाया गया था। जस्टिस जोसेफ ने मौखिक रूप से कहा, राजनीतिक दल आएंगे जाएंगे, लेकिन इसका असर असल में पूरा देश झेलता है, देश की संस्थाएं झेलती हैं। पूरी तरह से स्वतंत्र प्रेस के बिना कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने न्यूज एंकरों के लिए बहुत अहम बात कही थी। कोर्ट ने कहा, जहां तक मुख्यधारा के टेलीविजन चैनल का सवाल है, हम अभी भी कहते हैं वहां एंकर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे ही आप किसी को हेट स्पीच में जाते हुए देखते हैं, ये एंकर का कर्तव्य है कि वो तुरंत देखे कि वो उस व्यक्ति को आगे कुछ भी कहने के लिए अनुमति ना दे। कमाल देखिए, अदालत जिस हेट स्पीच को रोकने के लिए एंकर की भूमिका अहम बता रहा है, वो एंकर खुद हेट स्पीच के टॉर्च बियरर बने हुए हैं। कौन समाज को कितना बांट सकता है, नफरत फैला सकता है, इस रेस में लगे हैं। हद देखिए, एक एंकर टीवी स्क्रीन पर देश नहीं झुकने देंगे का डायलॉग देता है और फिर देश को झुकाने की हर कोशिश कर रहा है। गुजरात के खेड़ा में कथित तौर पर 10 मुस्लिम पुरुषों को पुलिस सरेआम पीटती है और एंकर उस कानून के मजाक बनने को गुजरात पुलिस का डांडिया कह रहा है। चलिए आपको इन एंकर और चैनलों के नफरत के कारोबार से मिलवाते हैं। आपको कुछ शो के थंबनेल यानी YouTube वीडियो के कवर से मिलवाते हैं। आप इनकी चालाकी देखिए, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, कोट का इस्तेमाल, ताकि अपनी बात कह भी दी जाए और जब सवाल उठे तो कह देंगे, हमने तो बस सवाल पूछा था, हमने प्रश्न का चिन्ह लगाया था, हमने तो विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया था। अभी हाल ही में BJP सांसद प्रवेश वर्मा ने दिल्ली में एक समुदाय विशेष के बहिष्कार की मांग की, आप खुद सुनिए। मैं कहता हूं, अगर इनका दिमाग ठीक करना है, इनकी तबीयत ठीक करनी है, तो एक ही इलाज है,
वो है संपूर्ण बहिष्कार। आप इस बात से सहमत हो? हाथ खड़ा करके बोलो सहमत हो, और मेरे साथ बोलो हम इनका संपूर्ण बहिष्कार करेंगे। हम इनके दुकान रेडियो से कोई सामान नहीं खरीदेंगे, हम इनको कोई मजदूरी नहीं देंगे। आप जरा सोचिए, नेताओं के भड़काऊ बयान और हिंदू फेस्टिवल में मुसलमानों का क्या काम कहने वाले एंकर में क्या फर्क है? ये नफरती नेक्सस नहीं है तो और क्या है? कितने एंकर ने प्रवेश वर्मा के भड़काऊ और नफरती बयान पर एक्शन की बात कही? कितने प्राइम टाइम हुए? अहम सवाल ये भी है कि क्यों पुलिस ऐसे लोगों पर खुद एक्शन नहीं ले रही है? अदालत ने भी पूछा है कि टीवी न्यूज चैनल से फैलने वाले नफरत पर केंद्र सरकार मूक दर्शक क्यों है? लेकिन सवाल ये भी है कि क्यों अदालत बिना देर किए कोई निर्देश कोई आदेश नहीं दे रही है? अब एंकर अगर राजनीतिक दल नफरत और हिंसा फैलाने वाले संगठन के प्रवक्ता बनेंगे तो हम पूछेंगे जरूर, जनाब ऐसे कैसे?